हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एफिनिटीज ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स इसके बारे में देखे थे, जिसमें कि हमने एफिनिटीज का मतलब क्या होता है कि सिमिलैरिटीज, ओके, सिमिलैरिटीज, जो सिमिलैरिटीज उनमें पाई जाती है। तो जो सेफेलोकॉर्डेट की सिमिलैरिटीज है वो शो करते हैं कॉर्डेट्स के साथ एज वेल एज द नॉन कॉर्डेट्स के साथ, ठीक है। बट दे आर रिलेटेड फाइलोजेनेटिकली विथ नॉन कॉर्डेट, ठीक है। फाइलोजेनेटिकली वो नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड है, बट जो उनके कैरेक्टर जो अभी दिखते हैं दे आर लाइक कॉर्डेट्स, ओके। सो सेफेलोकॉर्डेट्स की सबसे तीन बेसिक फीचर्स क्या है, दैट इज द नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूब नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो है ये उनमें बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो हमने इसमें एफिनिटीज विथ हेमिकॉर्डेटा देखे थे, ओके, एंड एफिनिटीज विथ यूरोकॉर्डेटा देखे थे। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्शन दैट आर फाउंड इन द यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या क्या है, तो एडल्ट इन यूरोकॉर्डेटा आर एक्सट्रीमली डिजनरेटेड, ओके। एडल्ट इन यूरोकॉर्डेटा आर एक्सट्रीमली जनरेटेड, दे आर सेडेंटरी, दैट इज दे लिव ऑन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे रहेंगे, वो मूव नहीं करते। एनिमल हैविंग सेवरल कैरेक्टर्स आर नॉट फाउंड, जो सेवरल कैरेक्टर्स है वो उनमें नहीं देखने को मिलते। अब कौन से कैरेक्टर्स है जो कि नहीं होते हैं, जैसे कि सेफेलोकॉर्डेटा उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, तो यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ठीक है। हमने थ्री बेसिक कैरेक्टर इनमें यही देखे थे कि इनमें नोटोकॉर्ड, ओके, नर्व कॉर्ड और फेरेंगियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, बट इनमें हॉलो नर्व कॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड द बोथ आर अब्सेंट, ओके। देन द लीवर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरोकॉर्डेट्स, देन द हार्ट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ओके। उनका जो हार्ट है वो कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। सो नाउ व्हाट इज द पेरिटोनियम, द पेरिटोनियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमन कैविटी और द कोलम, ठीक है। जो लाइनिंग फॉर्म करते हैं एब्डोमन कैविटी की और कोलम की, तो उनका हार्ट कवर होता है पेरिटोनियम से। देन द नेफ्रेडियाज आर अब्सेंट, व्हाट इज नेफ्रेडिया, इट फंक्शंस लाइक अ किडनी, ओके। सो द नेफ्रेडियाज आर अब्सेंट, देन द सेक्सेस आर यूनाइट एंड गोनाड्स आर हर्मोफ्रोडाइट। हमने सेफेलोकॉर्डेट्स के जनरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे कि जो सेक्सेस है उनके दे आर सेपरेट, ओके, एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन द वॉटर, ये हमने उसमें देखे थे। तो इनमें क्या है, द सेक्सेस उनके यूनाइट है ऑन गोनाड्स आर हर्मोफ्रोडाइट। नाउ व्हाट इज द हर्मोफ्रोडाइट, बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज द हर्मोफ्रोडाइट, ओके। एंड द लार्वा अंडरगोज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बीएससी में हमने पढ़े थे यूरोकॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है। उसमें एस्केडियन टैडपोड लार्वा होता है, जिसमें हमने उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखे थे, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी क्या होता है, कि देयर लार्वा इज मोर डेवलप देन एडल्ट, उनकी जो लार्वल स्टेज है वो एडल्ट से ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो मतलब उल्टा हो गया ना, एडल्ट ज्यादा डेवलप होने चाहिए थे, लार्वा कम होने चाहिए थे, बट लार्वा ज्यादा डेवलप है और एडल्ट कम है। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये यूरोकॉर्डेट्स में देखते हैं, ठीक है। सो दिस आर द ऑब्जेक्शन इन यूरोकॉर्डेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एफिनिटीज विद द साइक्लोस्टोमेटा। एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। अब ये जो सेफेलोकॉर्डेट्स है वो क्या एफिनिटी शो करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। तो हम इसमें एग्जाम्पल रहेंगे ब्रांचियोस्टोमेटा, सेफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल दैट इज द ब्रांचियोस्टोमेटा। और ब्रांचियोस्टोमा और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल लेंगे एमोसीटस लार्वा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हम लेंगे साइक्लोस्टोमाटा के और सेफेलोकॉर्डेट्स के। तो अब पहले हम इसकी एफिनिटीज देखेंगे। तो व्हाट आर द एफिनिटीज
of cyclostomata. Their body is elongated and fish-like. Okay. इन दोनों की बॉडी कैसी होती है? एलोंगेटेड होती है, फिश लाइक होती है. देन द कंटिन्यूअस डॉर्सल मिडल फिन. देन द माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल हुड. Then the vellum is also present. Then the pharynx with endostyle and gill slit. Pharynx is with endostyle and gill slit. And the presence of dorsal hollow nerve cord and notochord. Okay, nerve cord नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट. हमने यूरोकॉर्डेट्स में क्या देखा था कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड ये दोनों भी प्रेजेंट नहीं होते. साइक्लोस्टोमाटा में क्या है? नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड दोनों प्रेजेंट है. देन बिसाइड द फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर देयर एडल्ट हैव प्रेसिस्टिंग विलम गिल स्लिट मेटामेरिक मायोटोम्स एंड पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, हमने विलम पहले ही देखा. देन द गिल स्लिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. Then the metameric myotomes and post anal tail. Okay, this both are also present. Next is the affinities with other vertebrates. Affinities with other vertebrates. So branchiostomata यानी जो cephalochordata है वो थोड़ा बहुत वर्टिब्रेट से भी इनकी सिमिलैरिटीज है. ठीक है, तो वो क्या क्या है इनमें सिमिलैरिटीज? दैट इज द पोस्ट एनल टेल. देन द मेटामेरिक मायोटोम्स. मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था जब हमने जनरल ऑर्गेनाइजेशन देखा था सेफेलोकॉर्डेट्स का कि मेटामेरिक मायोटोम्स यानी क्या होता है. मेटामेरिक का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेगमेंट. ठीक है, मेटामेरिक का क्या मतलब होता है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेगमेंट. एंड मायोटोम्स का मतलब क्या होता है? मसल्स ब्लॉक. ठीक है, जो मसल्स ब्लॉक होते हैं जो लोकोमोशन के लिए मदद करते हैं. सो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? मेटामेरिक मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं. देन द कोलम lined by the mesodermal epithelium then the hepatic portal system is also present. Okay, this is also well developed. Hepatic portal system ये भी हमने general organization में देखे थे. क्या होता है इसका मतलब? कि जो वेन्स होती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज होती है उनको क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. तो ये भी उनमें अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है. नाउ द ऑब्जेक्शन विद साइक्लोस्टोमेटा एज वेल एज द वर्टिब्रेट. हम ये दोनों के ऑब्जेक्शन एक साथ ही देखेंगे. तो इसमें क्या होता है कि साइक्लोस्टोमेटा और वर्टिब्रेट इन मोस्ट ऑफ द प्रिमेटिव कैरेक्टर आर डिफर फ्रॉम द सेफेलोकॉर्डेट. सेफेलोकॉर्डेट से बहुत ज्यादा डिफर है. दैट इज कौन से कैरेक्टर्स हैं?
जो कि डिफर है, दैट इज द अब्सेंस ऑफ हेड, अब्सेंस ऑफ हेड, पेयर लिम, पेयर अपेंडेजेस हमने पहले देखे थे, पेयर अपेंडेजेस आर अब्सेंट, तो इसमें पेयर लिम्स, देन द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, हार्ट, द ट्रू हार्ट इज अब्सेंट, ओके, ब्लड विदाउट आरबीसी, ब्रेन इज ऑल्सो अब्सेंट, सेंस ऑर्गन इज ऑल्सो अब्सेंट, एंड द गोनोडक इज ऑल्सो अब्सेंट, ठीक है. देन नेक्स्ट इज इन पजेसिंग द नेफ्राइडिया एट्रियम, न्यूमरस गोनाड एंड असिमेट्री. नेफ्रेडिया आट्रियम न्यूमरस गोनाड एंड असिमेट्री. तो यहाँ पे हमारा जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ सेफेलोकॉर्ड डेटा ये टॉपिक है, ये खत्म होता है. सो थैंक यू.